हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 72 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है मोनो ऑडियो सेटिंग को अपने यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोनो ऑडियो सेटिंग जो है काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऑडियो एडजस्टमेंट, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये मोनो ऑडियो के सामने वाले बटन को आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस बटन को ऑन करना है तो ये बटन आपका ऑन हो जाएगा। अब देखिए सेटिंग का आपको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका ना मोनो ऑडियो के नीचे ऑडियो बैलेंस लिखा हुआ है, ये मोनो ऑडियो का ही पार्ट है, इसी का हिस्सा है। ऑडियो बैलेंस के नीचे देखिए लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है, इसका आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चीज क्या, मेरे पास ईयरफोन्स है मेरे, ठीक है। तो ईयरफोन्स पे मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ना एल और आर लिखा हुआ है ईयरफोन पे, एल और आर, ठीक है। तो ये हमारे ईयरफोन का ना लेफ्ट और राइट होता है, ठीक है। तो आपके पास कोई से भी ईयरफोन है, चाहे वो वायर वाले ईयरफोन है, ब्लूटूथ वाले ईयरफोन है, या कोई नेक बैंड है, या कोई हेडफोन है, ये सभी में सेटिंग काम करती है, ठीक है। देखो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप अपने ईयरफोन का है ना यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में ऑडियो वीडियो सुनने के लिए, ठीक है, ऑडियो वीडियो सुनने के लिए अपने ईयरफोन्स का अगर आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप ना इस सेटिंग के जरिए आप अपने ईयरफोन्स की जो आवाज़ है ना वो आप बैलेंस कर सकते हैं, मतलब एक में कम और एक में ज़्यादा, ठीक है। एक ईयरफोन में ज्यादा और एक में कम आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो पॉइंटर है ना इसको आप अगर लेफ्ट में कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो लेफ्ट वाला ईयरफोन होगा उसमें आपको आवाज सुनाई देगी, और आपका जो राइट वाला ईयरफोन होगा ना उसमें आपको आवाज सुनाई तो देगी लेकिन बहुत ही कम आएगी उसमें से आवाज, ठीक है। और इसी तरीके से इस पॉइंटर को राइट में कर देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया, आपको राइट वाले ईयरफोन में आवाज सुनाई देगी और लेफ्ट वाले में आवाज सुनाई तो देगी लेकिन बहुत ही कम आवाज आएगी, ठीक है। अगर इसी तरीके से पॉइंटर को सेंटर में रखना है ना, सेंटर में रखेंगे तो आपके दोनों ईयर उसमें से आवाज जो ना बराबर आएगी, ठीक है। आप इस पॉइंटर को अगर आप इस लाइन पे है ना कहीं भी आप इसे रख सकते हैं तो आपको आवाज में ना डिफरेंसेस आपको सुनने को मिलेंगे, एक में कम और एक में ज्यादा, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी कम, ऐसे करके आप यहाँ पर जो है ना इसका यूज कर सकते हैं, अपने किसी भी ईयरफोन्स में आवाज को कम रख सकते हैं, ठीक है। तो सेटिंग जो है ना इस तरीके से आपकी काम करती है, मोनो ऑडियो सेटिंग आपके ईयरफोन्स की ऑडियो को बैलेंस करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सेटिंग आप यूज करके जरूर देखिए,